नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने छह राशि 1 मई यानी कि मई महीने का पहला दिन आपके लिए कैसे साबित होगा, किस प्रकार से 3 बड़े ग्रहों की युति आपके लिए दिन को यादगार बनाकर रख देंगी। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं पंचांग से। वीडियो के एंड में शुभ रंग और शुभ अंक आपको जरूर बताऊंगी, साथ ही एक ऐसा सटीक उपाय जिससे आपका दिन और बेहतर बन सके। तो दोस्तों इस दिन द्वादशी तिथि, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और कृष्ण पक्ष का समय है। राहु काल का समय दिन में 12:18 पर शुरू होगा और 1:57 पर समाप्त होगा। राहु काल के समय कोई भी नया निवेश शुभ कार्य मत कीजिएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की, तो इस दिन चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में बुध शुक्र और चंद्रमा युति में आ रहे हैं। बुध और शुक्र एक साथ होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है और चंद्रमा के यहाँ होने से आपके लिए हर तरीके से समय शुभ रहेगा। कुछ परेशानियां आ सकती हैं, उसके लिए उपाय जरूर बताऊंगी। तो आइए जानते हैं व्यापारियों के लिए ये दिन कैसा साबित होगा। दोस्तों धन की वर्षा होगी, डेली का इनकम सप्तम भाव से देखा जाता है, इसलिए इस समय में डेली की इनकम डबल हो सकती है। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसेगी, हर तरीके से काम के नए जरिए मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय शुभ साबित होगा, प्रमोशन के प्रबल योग बनते हैं, आपके पास धन जुड़ेगा। इस समय में आमदनी के नए जरिए प्राप्त होंगे। नौकरी से वंचित हो तो इच्छा पूर्ण जरूर होगी। ये समय आपके लिए लव रिलेशनशिप के लिए भी शुभ साबित होगा। सप्तम भाव को दाम्पत्य सुख के लिए देखा जाता है। मैरिड लाइफ में मधुरता आएगी, आपको घूमने फिरने का समय मिलेगा। ये समय शुक्र के यहाँ होने से दिन आपके लिए रोमांटिक साबित होगा। इस समय में पार्टनर्स एक दूसरे को समझेंगे, गलतियों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ेंगे। इस समय में आपकी पर्सनालिटी में भी 4 चांद लगेगा। बुध और शुक्र के यहाँ होने से बुध और शुक्र संबंधित कार्यों से आपको ज्यादा लाभ होगा। अकाउंटेंसी के काम से, बैंक जॉब से आपको सफलता मिलेगी। वकील, जज, सलाहकार और खास तौर पर व्यापारी इस समय में नाम और पैसा कमाएंगे। शुक्र संबंधित कार्य जैसे कि इस समय में स्त्री संबंधित सामान बेचने से आपको लाभ होगा। टूर एंड ट्रेवल के काम से आपको मुनाफा होगा। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से आपको मुनाफा हो सकता है। आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगेंगे। स्टूडेंट्स भी इस समय में अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगे, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। बुध की बुद्धिमानी और चंद्रमा की एकाग्रता मिलेगी। इस समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अकाउंट्स में इस समय में आप अव्वल आ सकते हो। कला के क्षेत्र में निपुण हो तो आपको लाभ जरूर होगा, नाम और पैसा कमाने का मौका प्राप्त होगा। खेल कूद के क्षेत्र में भी आगे रहोगे। कन्या राशि वालों के लिए 1 तारीख पहला दिन शानदार साबित होगा। इस समय में कोई ऐसी अधूरी मनोकामना पूरी हो सकती है, कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जो आपके लिए दिन को यादगार बनाकर रख देगी। दोस्तों सिर्फ कुछ बातों का ख्याल रखिएगा, ये समय लड़ाई झगड़ों से बचना होगा। खास तौर पर बुध, शुक्र और चंद्रमा एक साथ होने से युति में आने से सास बहू के झगड़े हो सकते हैं, इसलिए जब आपको पहले ही मालूम है तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। तर्क वितर्क से बचना होगा। इस समय में एक दूसरे से तोल मोल कर बोलिएगा। अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक के बारे में। तो आपके लिए 1 तारीख को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 6 रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। दोस्तों अगर आप इस दिन छोटी इलायची अपनी जेब में रखते हो तो पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हो। अपने वेट के बराबर हरा चारा गौ माता को खिलाने से भी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। अगर इस दिन हरी मूंग की दाल किसी जरूरतमंद को दान करते हो तो भी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हो। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए 1 मई राशिफल के बारे में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, भविष्यवाणी आप पर सटीक बैठे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर चैनल का हौसला जरूर बढ़ाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।